Ready? नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नायरा जी, 100 एपिसोड हो गए, एक माइलस्टोन है सीरियल के लिए, कितना प्राउड फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरी है? एक्चुअली 100 एपिसोड्स ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो ज्वाइन किया था। यू नो, आई एम नॉट इवन फीलिंग एग्जॉस्टेड कि हाँ, हमने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 100 एपिसोड हो गए। बहुत नया फ्रेश फील आ रहा है मुझे कि वी अकम्पलिश्ड सो सून। इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूज एंड मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है। मैंने तो आई डिडंट इवन कीप अ काउंट एंड अचानक से इट्स लाइक ओ वी आर टचिंग 100। और ऑडियंस से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आप मेंशन करना चाहेंगे? ऑडियंस इज हेटिंग चकोरी, विच मीन्स आई एम डूइंग अ गुड जॉब। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। प्लस नहीं, ड्रामा वगैरह सबको बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अभी तो मैं अभी तो रसाल मेरे घर आ गई, अभी ड्रामा और दुगना होने वाला है, शिवराज भी मेरे घर आ रहा है। तो द फेस ऑफ इज गोना बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड क्रेजियर डे बाय डे। सो कॉन्सेप्ट ये था कि मी एंड मूंग सिंह वो सपोज टू बी लाइक बंटी बबली, हम लोग लूटते हैं, यू नो, लूट के रिच बनना चाहते हैं, हमारा एक अलग बैक स्टोरी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस स्टोरी को आने के को कल्मिनेट करते गए, हम लोग का ये था कि हम इस पर्टिकुलर फैमिली को लूटेंगे, सिंगल फादर है, इससे शादी करेंगे, फिर लूट पाट के चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते स्टोरी अनफोल्ड होती गई एंड ऐसे न्यू आइडियाज आते रहे एंड वी जस्ट केप फ्लोइंग, यू नो, सो इट्स अ गुड फील। हाँ, शिवराज बच्चे तो जान है यार मेरे, आई मीन आई रियली मिस देम। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरप्राइज देके आ जाओ, क्योंकि रोज सुबह उनके दोनों का आना, हमें हग करना, चकोरी दीदी, रायरा दीदी, यू नो, ऐसे बोलना, आई रियली मिस देम। एंड उनका बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत था, दे वर वेरी क्यूट। तो आई एम श्योर ऑडियंस भी मिस करती होंगी उन दोनों को। नहीं, ड्रैगिंग नहीं, बिकॉज एवरी सीन इज एनर्जेटिक, बट या मोनोटोनस हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, लीप के बाद दे ऑब्वियसली शोइंग द अदर साइड ऑफ द अदर फैमिली। तो यहाँ पे आई हैव ओनली वन इमोशन, दैट आई वॉन्ट टू किल दैम और आई डोंट वॉन्ट द प्रॉपर्टी टू गो अवे एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसमें मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है या इमोशन है वो मोनोटनी है, बट अदरवाइज इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स कूल। अभी इट्स गोना चेंज क्योंकि ड्रामा और ज़्यादा बढ़ने वाला है इनके घर में आने के बाद। या इट इज, इट्स एन आउट एंड आउट नेगेटिव। सी, आई हैव नेवर रियली प्लेड अ नेगेटिव रोल इन माय लाइफ। सो इनिशियली जब बच्चे छोटे थे तब मुझे हेजिटेशन होती थी, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मुझे रफ होना पड़ता था, एंड दे आर सो क्यूट एंड बीइंग एम्पैथेटिक, बीइंग एन एम्पैथ माई सेल्फ व्हेन आई हियर द स्टोरी कि एक औरत को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा टॉर्चर करना पड़ रहा है, मुझे बहुत अजीब लगता था अंदर से। एंड देन रोज मेरे को एक्टर्स मुझे समझाते थे, काम डाउन नायरा, इट्स जस्ट अ जॉब, यू डूइंग वेल, भले ही तू अंदर रो रही है लेकिन बाहर तू काम बहुत अच्छा कर रही है, सो कीप इट अप, यू नो, दिस इज़ वर्किंग। तो वो करते करते धीरे धीरे आई गॉट यूज टू हिट। और अभी तो चलो बच्चे बड़े हो गए, सो एंड देर इज़ नो फिजिकल फाइट विथ एनीबडी। पहले मैं रसाल को ऐसे पकड़ती थी, शिवराज को ऐसे पकड़ती थी, तो मुझे बड़ा डर सा लगता था। कितने टाइम ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट में लिख के आता था कि मैं उनको मार रही हूँ, बट अगर आपने शो देखा है, मैंने कभी भी उनको मारा नहीं, मैंने बस अपने एटीट्यूड से, अपनी आवाज़ से धमकाया, इतना धमका दिया है कि वो डर के रहे। तो आई हैव रियली वर्कड ऑन द वे आई हैव एक्टेड इन दिस शो। आई डिडंट वॉन्ट टू डू वॉयलेंस, आई वॉन्ट टू जस्ट थ्रेटन देम सो मच। वाह, वी आर येट टू सेलिब्रेट नाउ, अभी तो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं, बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग दैट वी टच्ड अ माइलस्टोन एंड आई होप दैट वी कीप टचिंग सच माइलस्टोन्स विद दिस शो। एंड जो बंदूक वाली सीन, पहली बार चकोरी के फेस पे आप लोगों ने जेन्युइन वाला सैडनेस या फियर या दुख देखा होगा,
कि अरे भाई मेरा पति गया, प्रॉपर्टी भी गई. अदरवाइज चकोरी हैज़ ऑलवेज बीन पार. सो ऑडियंस को कुछ अलग ही देखने मिलेगा कि यहाँ चकोरी बेचारी आई ऊट पार के नीचे, यू नो दैट जोन. तो नाइस, इट्स अ गुड चेंज. ज़्यादा नहीं बोल सकती, यही आप सबको पता है कि चकोरी इज द ब्रेन एंड मूंग इज द पावर, द मसल. तो ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि शिवराज भारी पड़ रहा है. द ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर दिस टाइम, मोर अजाइल. तो जो मसल है मूंग, वो थोड़ा सा उसका सर फिसल गया एंड इवेंट फुल चार्ज एंगर में, एंड मुकेबल थोड़ा सा हो गया उसका टशन जो भी है. बट ठीक है, आई हैंडल इट, आई हैंडल इट. See, this is a very nice rural drama between a brother and a sister. The main concept ये था कि यहाँ पे भाई भी बहन को राखी बांधता है, और जो मैं बचपन में, मेरा भाई भी मुझे राखी बांधता था. He is younger to me. I relate. Only because of that, because I found this very relatable and it's I didn't know that people do it otherwise also. मैं अपने best friends को भी राखी बांधती हूँ. You know, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को भी राखी बांधती हूँ. इट्स अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन. इट्स नॉट ओनली भाई बहन वाला रिश्ता. तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है. इनफैक्ट आई हैव टाइड राखी टू माई को एक्टर्स ऑल्सो, एक दो, आई डोंट वांट टू नेम. सो सी, आई स्टिक टू प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट. हियर आई वॉज अर्लियर द प्रोटैगनिस्ट एंड द एंटागनिस्ट बोथ. So it was fun, it was a good mix. But in future, if I have to torture somebody, I'll try and avoid it. I really don't like it. He's a great buddy, a great co-actor, fun to work with. Acting mein bang on. So mere aur uske scenes jab hote hai na, we are like, okay, give and take must hone wala. It's gonna be fun. So we look forward to good clashy scenes with each other. I didn't understand your question. I don't think कोई competition दे रहा है. सबके अलग अलग audience होते हैं. जो लोग TV देखते हैं, जो एक show को follow कर रहे हैं, वो show को ना अनदेखा करके कोई OTT देखने नहीं वाला है. OTT is a different taste, and जो TV देखते हैं वो तो देखेंगे ही. But having said that, OTT is a more realistic, TV is more dramatic, it's more domestic and about family issues. Yeah. But then you are committed to a series. You try to build those things or any project. See, the thing is, those that I'm already supposed to be doing, I've already put it on in my contract that I will need so and so days. So I'll, whenever we start shooting for that, the production will take care of it. But otherwise, agar mujhe ek hafte mein 5 din dena padega, then I have to let go of it. You know, because I am needed over here almost every day. So yeah, that's a tough job. Thank you. Alright, thank you so much. Bye. Bye.